स्पाइसी पीनट करी बनाने के लिए हम ले रहे हैं मूंगफली। ये मैंने भून के उसका छिलका निकाल के लिया है। ये एक कप है। 3-4 हरी मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, 1/2 चम्मच शुगर है, 1 स्वादानुसार नमक है, ये धनिया पत्ती है और 2 टेबलस्पून ऑयल है। थोड़ा सा पानी लगेगा वो लिया है। आइए हम गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ये मैंने मूंगफली का रिफाइंड ऑयल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं। मुझे 1.5 टेबलस्पून ऑयल चाहिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम लोग पीनट का पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी में। ये मैंने 1 कप पीनट लिया है जिसे मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। पहले मैं उसे ग्राइंड करके फिर उसमें पानी डालती हूँ। मैंने मिक्सी में अभी मूंगफली को बारीक ब्लेंड किया है। अब मैं इसमें ये 1 कप पानी डालती हूँ। हमें मूंगफली का फाइन पेस्ट चाहिए। ये डाल के मैं वापस से मिक्सी को चला लेती हूँ। मिक्सी के दूसरे जार में हरी मिर्च और जीरे को दरदरा पीसना है। उसके साथ में थोड़ा सा नमक डालती हूँ, एकदम थोड़ा सा ही नमक उसके साथ में हमें डालना है। इसे हमें थोड़ी देर भूनना है। अब हमारी मिर्ची और जीरा भून चुका है। मैं इसमें अभी ये पीनट का जो हमने पेस्ट बना के लिया था वो डालती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, इसे हमें थोड़ा पतला बनाना है, इसलिए मैं मिक्सी में अभी जिस मिक्सी में मैंने पेस्ट बनाया था पानी डाल के डाल दे। अब इसमें हमें स्वादानुसार नमक चाहिए, तो मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून शक्कर चाहिए। एक 3-4 मिनट उबलने के बाद अब हमारी पीनट करी तैयार हो गई है। अब मैं उसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालती हूँ। महाराष्ट्र में इसे साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़े के साथ खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। हमारी स्पाइसी पीनट करी खाने के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।